हेलो एवरीबॉडी, दिस इज साई मलिक बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब, होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं रील्स शूट करने, काफ़ी टाइम से हमने रील्स नहीं शूट की। तो आज का व्लॉग होने वाला है रील्स पर, मतलब आज हम आपको बताएंगे कि रील्स बनाने में कितनी मेहनत लगती है बंदे को, मतलब कितने रीटेक शूट लेने पड़ते हैं। तो फिर आपको एक कंटेंट बताता है एक अच्छा सा बनाकर। तो आज हम इस व्लॉग में पूरा मतलब बिहाइंड द सीन बताएंगे आपको और बहुत ही इंटरटेन करेंगे, इसलिए ये व्लॉग पूरा एंड तक देखना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी हम कराएंगे यहाँ पे टंकी फुल, तो फिर आगे चलेंगे अपने सफर पे, ठीक है। तो फाइनली गाइज अभी हम निकल चुके हैं हम अपनी लोकेशन की तरफ। तो बीच में हमने पेट्रोल भी डलाया अपनी बाइक में। अभी हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, मतलब हमने रास्ते में जगह डिसाइड की थी कि कहाँ जाना है। तो अभी हम आए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब वो रोड भी पूरी खाली है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त मतलब रील्स बनेंगी। तो अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू भी आ रहा है, तो अभी हमने और ऊपर जाना है। अभी हम यहाँ पे रुके थे आपको बताने के लिए कि जा रहे हैं कहाँ पे हम। अभी हमारे साथ आए हैं साकिब आया है और साथ में दानिश भी आया है। तो अभी एक और बंदा आया था हमारे साथ जिसका नाम है अमान, वो अभी हमारे व्लॉग में नहीं आया, आज आने वाला था बेचारा, बट आधे रास्ते में उसको फ़ोन आ गया घर से कि जल्दी आ, तो वो फिर चला गया बेचारा। बहुत ही दुख की बात है ये उसके लिए। तो अभी हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें कर दी हैं, आपको मिला भी दिया है। अब हम चलेंगे ऊपर कॉलेज की तरफ, तो वहाँ पे हम रील्स शूट करेंगे और सब कुछ बताएंगे आपको, बिहाइंड द सीन सारा कुछ बताएंगे। तो चलते हैं। तो भाई लोग कैसे हो आप सब, मैं आज बहुत देर बाद व्लॉग में आ रहा हूँ, देख सकते हो आपके बहुत टाइम के बाद आया हूँ मैं। काफ़ी दो तीन व्लॉग कर लिए इनने, तो मैं बहुत टाइम के बाद आया हूँ उस व्लॉग में। तो मेरे साथ अभी दानिश भाई हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो साहिब भाई हमारे आगे चले गए हैं, तो हम पैदल जा रहे हैं। हमने बहुत बड़ी टीम है इस व्लॉग में, दो बंदों की टीम है, माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो हम व्लॉग बनाने आए इधर और ये साहिब आगे चला गया, हम पैदल चल रहे हैं इधर। तो अभी हम रील शूट करेंगे, मेडिकल कॉलेज भी दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छा बना रजौरी में। हाँ, तो अभी हम रील शूट करने लगे हैं और आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव रहता हूँ, मैं लिंक दे दूंगा आपको। ये अपनी प्रमोशन कर रहा है इंस्टाग्राम पे, सारे फॉलो करो इसको, गाइस जाके फॉलो करो, फॉलो बैक मिलेगा आपको। तो अभी हम यहाँ पे एंटर होने वाले हैं अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो रजौरी में है, देखेंगे आपको इसका भी बताएंगे, काफी शूट करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है हमें, आपको भी बहुत ही एंटरटेन करेंगे हम। तो व्लॉग को एंड तक देखना, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। अभी हम पहुंच चुके हैं ऊपर, तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे, और काफ़ी हाइट पर है ये। तो अभी हम बनाएंगे रील्स, तो सबसे पहले मैं इनका व्लॉग शूट करूँगा, ये रील्स बनाएंगे, दानिश रील कैमरा होल्ड करेगा और साकिब की रील्स बनाएगा पहले, और उसके बाद मेरी। तो दानिश को इतना इंटरेस्ट नहीं है रील्स में, मतलब वो बनाता नहीं है, खाली फोटोज़ अपलोड करता है इंस्टाग्राम पर। और हम तीनों का इंस्टाग्राम जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, फॉलो बैक ज़रूर मिलेगा। और अब हम बनाएंगे रील्स, सब कुछ बताएंगे, बिहाइंड द सीन वगैरह सब कुछ। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। बाय बाय। तो
अभी साकिब की जो है सेकंड रील का शूट चल रहा है, इसकी बनाएंगे और उसके बाद मैं खुद अपनी रील्स बनाऊंगा। देखते हैं ये अच्छी बनी है या नहीं बनी। अभी हम YouTube पे मतलब इसका जो म्यूजिक साउंड है वो उसको ऑफ कर देंगे क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है। तो आप Instagram पे जाना हमारी रील्स देखने के लिए, और जैसे कि हमने पहले बोला फॉलो करना, फॉलो बैक ज़रूर मिलेगा। Instagram पे आओ, उधर बहुत सारी बातें करेंगे हम। मैं YouTube पे ज़्यादातर इनएक्टिव रहता हूँ, बट जो Instagram पे मैं हर रोज़ मतलब एक्टिव रहता हूँ, तो Instagram पर आओ। बीटेक वापस से शूट करेंगे, इसको सेव करो, वापस से शूट करेंगे। मुझे यार लिपसिंग थोड़ी भूल गई थी, काफ़ी देर के बाद मैं रील्स बनाने लगा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा वापस अपनी एक्टिंग जा रही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर, मतलब 5 या 6 बज के मुझे लगता है, तो मतलब इस टाइम अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे सुनसान बिल्डिंग है, अकेली, मतलब कोई भी नहीं रहता यहाँ पे, तो क्या पता कुछ हो। तो अब हम जाएंगे घर, तो व्लॉग एंड करेंगे हम तीनों साथ में। तो गाइज़ अभी हम चले हैं घर, हम यहाँ पे व्लॉग को एंड करेंगे। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।